हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्हाट पावर मेड इजी का सेशन 10 चालू करेंगे। सो, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हैं वैसे ही वर्ड रूट्स के साथ, बट आपको मैं एक बात बोल रही हूँ कि आप ये बुक जो है हमारी व्हाट पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस, ये आप परचेज कर लीजिए, बिकॉज आने वाले सेशंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड द थिंग इज कि उसमें आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं हर सेशन के बाद में, सो यू कैन प्रैक्टिस वेल अकॉर्डिंग टू इट, राइट? तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जस्ट कॉस्ट 150 रुपीज़ की आएगी। सो, मेरा सजेशन है कि यू पीपल बाय इट। बाकी मैं आपको तो रोज के सेशंस बना के दे रही हूँ, सो कीप ऑन रिवाइजिंग दैट। सो विद दैट लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं, है ना? तो पहला आज का हमारा वर्ड रूट है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। देन आता है नेक्स्ट वर्ड रूट कैली। कैली मतलब ब्यूटीफुल, और इसको हम कैलोज भी बोलते हैं। कैलोज मतलब ब्यूटी होता है, राइट? देन कैको। कैको मतलब अगली, या फिर कैकोस बोल सकते हैं उसको, जिसका मतलब होता है बैड या हार्श। देन आता है हमारा एसेंट। एसेंट हमारा सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के आखिरी में जो लगता है, तो उसका मतलब होता है ग्रोइंग या फिर बिकमिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा जीरिया। जीरिया या फिर सेन, दोनों का हमारा मीनिंग सेम होता है, जिसका मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड एज, ठीक है? देन आता है कार्डियो। कार्डियो मतलब होता है हार्ट। फोटोज, फोटोज मतलब होता है लाइट। बायोज मतलब लाइफ। टेली मतलब डिस्टेंस। फोन मतलब साउंड। पाइज, पाइज मतलब बटॉक्स, बटक्स, बम्स, है ना? तो पाइज। तो ये थे हमारे आज के वर्ड रूट्स। अब हम इसके बाद वर्ड्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो पहला वर्ड है हमारा आज का ग्राफोलॉजी। अब ग्राफ मतलब हमने क्या पढ़ा, टू राइट या राइटिंग। ग्राफ मतलब राइटिंग। लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज ग्राफोलॉजी। तो इसकी मीनिंग अगर हम देखते हैं तो क्या है, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टर एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफोलॉजी, ठीक है? देन करेक्टर एनालिसिस यहाँ पे क्यों बोला है आप समझ होंगे, पिछले सेशन में बताई थी कि जो लोग हाथ को देख के अपने आपके प्रेडिक्शंस करते हैं आपकी लाइफ के बारे में, फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा ये वगैरह वगैरह, तो उसकी स्टडी जो लोग करते हैं, स्टडी उसकी जो करते हैं, तो उस स्टडी को हम ग्राफोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? देन है कैलीग्राफी। कैली मतलब हमने ब्यूटिफुल पढ़ा, ग्राफ मतलब राइटिंग, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। तो कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। देन आता है कैकोग्राफी। कैको मतलब बैड या फिर अगली, है ना? तो कैकोग्राफी अगली बैड हैंड राइटिंग। अब आता है कैलीपिजन। कैली मतलब ब्यूटीफुल, पीजी मतलब हमने पढ़ा था, पाइजी मतलब बटक्स, तो जिनके ब्यूटीफुल बटक्स होते हैं उनको हम कैलीपिजन बोलते हैं, हैविंग शेपली एंड ब्यूटीफुल बटक्स, कैलीपिजन। देन सीनियर। सीन मतलब हमने ओल्ड पढ़ा, ठीक है? तो सीनियर क्या हो गया, पर्सन हु इज ओल्डर और इज इन हायर रैंक देन दी अदर पर्सन इज सीनियर। जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में, वर्क लाइफ में, सब में सीनियर्स होते हैं, तो वो कौन होते हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमसे ज़्यादा बड़े होते हैं, तो सीनियर एज अ पर्सन हु इज ओल्डर इज इन हायर इन रैंक देन अदर पर्सन। देन आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड सीनियलिटी। सीनाइल मतलब सिन मतलब भी ओल्ड होता है, तो सीनियलिटी द फिजिकल एंड मेंटल इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, सीनियलिटी। देन सीनेट। सिन मतलब अगेन ओल्ड होता है, तो सीनेट इज अ ग्रुप होता, सीनेट हम किसी ओल्ड पीपल के ग्रुप को बोलते हैं, तो काउंसिल और ग्रुप ऑफ ओल्डर इज नोन एज सीनेट। देन सिनेसेंस। सिन मतलब फिर ओल्ड, तो ये ओल्ड पीपल से ही रिलेटेड हो गया सिनेसेंस, और सिन मतलब हमने ओल्ड, और यहाँ पे हमने जो लास्ट में सफिक्स का एक वो पढ़ा था वर्ड रूट, जिसका वर्ड था एसेंट। एसेंट मतलब क्या था हमारा, ग्रोइंग और बिकमिंग। तो ग्रोइंग और बिकमिंग एसेंट आ रहा है ना, ये ई एस सी ई एन, तो बिकमिंग ओल्ड और ग्रोइंग ओल्ड, तो सेनेसेंस इज कंडीशन ऑफ एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है? देन आता है गेरोंटोलॉजी। गेराज मतलब हमने वो पढ़ा था जीरिया, और गेराज मतलब क्या पढ़ा, ओल्ड, और लॉजी मतलब स्टडी, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज को हम क्या बोलते हैं, गेरोंटोलॉजी।
देन आता है कार्डियोग्राफ। कार्डियो मतलब क्या होता है हमारा हार्ट, ग्राफ मतलब राइटिंग। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट्स होती हैं हार्ट में, राइट, उसकी जो स्टडी, उसकी जो राइटिंग होती है, राइटिंग है, तो उसको हम क्या बोल, कार्डियोग्राफ। तो राइट कौन करेगा इसको, हम थोड़ी करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में आप पेशेंट को देखते हो जब रहता है तो बगल में एक कार्डियोग्राफ होता है जो आपकी हार्ट बीट्स को मेजर कर रहा होता है, कैसी चल रही है उस पेशेंट की हार्ट बीट, राइट। तो कार्डियोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट ग्राफिकली रजिस्टर्स मूवमेंट ऑफ हार्ट। देन आता है फोटोग्राफ, फोटो मतलब लाइट, ग्राफ मतलब राइटिंग। तो अब इसको ऐसा समझो, लाइट की राइटिंग, ठीक है, रिटन बाय लाइट, और अ पिक्चर विच इज़ मेड बाय कैमरा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो फोटोग्राफ क्या हो गया, रिटन बाय लाइट और अ पिक्चर मेड बाय कैमरा इज फोटोग्राफ। देन बायोग्राफी, बायोज मतलब लाइफ और ग्राफ मतलब राइटिंग, तो लाइफ राइटिंग इज बायोग्राफी, किसी की लाइफ के बारे में लिखना इज बायोग्राफी, स्टोरी ऑफ रियल पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, दैट इज बायोग्राफी। अब मैं हूँ, अगर मैं नेल्सन मंडेला या किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी पर्सन के लाइफ के बारे में लिखूँ, है ना, तो वो उसकी बायोग्राफी कहलाएगी, राइट, लाइफ राइटिंग। देन आता है टेलीग्राफ, टेली मतलब डिस्टेंस, ग्राफ मतलब राइटिंग, तो टेलीग्राफ डिस्टेंस राइटर, ठीक है। ये भी टेलीग्राफ भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ओल्ड फैशन सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो ये पहले काम आया करता था, आजकल तो फ़ोन वगैरह हैं तो वो यूज़ होते हैं, पहले के टाइम पे हम टेलीग्राफ यूज़ करते थे किसी को लेटर या किसी को मैसेज भेजने के लिए, सो वो टेलीग्राफ होता था। आज का आखिरी वर्ड हमारा है टेलीफोन, टेलीफोन इज़ वेरी कॉमन वर्ड, आपको सबको मीनिंग पता है, बट अगर हम वर्ड रूट के हिसाब से देखें तो ये क्या बनता है, देखिए टेली, टेली मतलब डिस्टेंस, फ़ोन मतलब साउंड, तो कुछ डिस्टेंस में अपना साउंड पहुँचाना, ठीक है, वो टेलीफोन का काम होता है। तो पर्टिकुलर एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट ही है, तो डिवाइस विच हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इज टेलीफोन। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स सेशन नंबर 10 के, सो आई होप समझ में आए होंगे, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेशन 11। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय।